बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। तो इसी के साथ करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ जो है कि जी एक ना बंदा सानू मिल गया है, मेहमान आया सी घर, उन्होंने ला लिया सी कम ते जंग लगी जांदा सी गेट नूं सारा। तो एक बच्चों पिछली दफ़ा पेंट किया सारा उतार दिता सी। असी खाना खाण लग पे तो बच्चों ने, क्योंकि असी रहिंदे चक दे विच, इस वास्ते तो बच्चों ने आके सारा ला दिता, क्योंकि जिहड़ा साडा महल्ला है ना बड़ा चंगा है इस वास्ते। तो इस दफ़ा क्या भी जंग लगी जांदा, एक दफ़ा भी चीज़ जिहड़ी है जी। तो अज मम्मा के पापा कह रहे थे कि हर चिकाठा गेट शेड जंग लग ही जा रहा, धुंध की वजह ना पेंट लैके आए। तो हम सुबह दे लगे करन, मेहमान आए थे उन्होंने चाय पानी दिता, मेहमान साढ़े चले गए जल्दी जल्दी दे, क्योंकि इस दफ़ा कह रहे थे कि साको टाइम कम है, मिल के बस चाय पानी पीता तो चले गए। इस गुश्त गुश्त लिया अरादा लिया के रखा कि मेहमान वास्ते रोटी पानी बनावे, लेकिन वो कहें फिर सही गर्मियों छुट्टियां हो नहीं। तो अगे भी असी काफ़ी घर जाना इस वास्ते, असी तो पहले ही खाने का इंतजाम करके बैठे से तो उन्होंने नहीं खाधा। तो हूँ पेंट शेंट करते पे, हम अपने खाने का कोई बंदोबस्त करना नाल नाल। तो हूँ हाँ जी जी हूँ तुम दसो मैनू तुम कि चीज़ खानी जे बाप बेटी ने है पहले कितने जाना है? पहले रोटी खानी फिर शहर जाना है? तो तुम शहर ही चल जाओ, रोटी रहन दो जी जी, तुम शहर ही चल जाओ, फिर मैं रजाई लैके सौंदी हूँ, मैनू अगे मेरी तबीयत कोई नहीं ठीक। तो तुम फिर शहर की करना जाके हाँ, मम्मा ने चीज़ा मंगाया, पापा जी तुम टुर गए कल, तो अज इस बहाने मैम शहर चले जाएगी, तो फिर उ जाके की करना है? फिर कोई चीज़ा सानू दस दे, तो तुम चीज़ा लैन दो, मैं आप ही ले आया करांगी शहरों, तुम घर ही रहो बाप बेटी, तुम जाके बड़िया उ अपन, मैं पता सारिया बहुत छावं आप ही ले लें, तो मैं थोड़िया दें दे लैके, इस तरह ही दोनों कर दो ना तुम। कि चीज़ लैनी है मैम ने है दसा, क्यों फिर चीज़ा कि लैनिया, फिर घर ही रहो तुम, कौन दसा है? एक सर्दी वाला स्टोलर और बैटरी, बैटरी लैनी है, राती लाइटा ऑन करनी है हाँ, चीजा पानी वह तो जमैटरी होंगे, बैटरी तो नहीं होंगे। मैम साड़ी पागल हो गई है, नावान भी सीधे कोई नहीं पता चलता भी कड़ा लै, सर्दी इतने लगती है, अज हवा भी चलती ना, धुप तो निकली ठंड, हवा चल पी है नाल, पर्दे तो हिलदा पे। चलो तुसी करो फिर, मैं हूँ सालन बना ला, फिर पालक आलू भी बना ला, की बनावा तुसी दस दिन, हूँ साग ही खान, साडा बीपी हाई होंगे, सानू नहीं पता भी ये होर कोई चीज़ बना लें, भी तुसी हूँ मैनू तो समीर भी तो कोई चीज़ खाने दो ना, तुसी सानू पक्का साग तो ही ला दिता महीना हूँ पर हाँ चंगा साग बना के क्यों ला कहीं, वो कभी कभी बंदा खा लवे, कि तुसी हूँ बाप बेटी कहते महीना सी साग ही खाई जी। चलो ये तो माशाल्लाह सही हो गया, हूँ उपरों साफ करने पैने जो स्टील दे लाटू जे, चलो फिर सही, फिर से ना बाहर हूँ सारे निकले, तो बाहर कैमरा नहीं ना चलना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक मैंने ले ली है, साथ में टमाटर मिर्ची, जे छिलके केले खाए, चाय पिए सारे मेहमानों के साथ। अभी बर्तन शर्तन मेरे मेहमानों वाले धोने वाले हैं, तो जे मैंने टमाटर धो के रख लिए जी, मिर्चें मैंने कहा थोड़ा सा पानी खुशक हो जाए फिर रखती हूँ, तो फ्रिज से निकालती हूँ आलू,
आलू इधर फ्रिज में रखे हुए हैं, तो फटोफट जी सालन बना लेती हूँ क्योंकि खाने का टाइम हो गया। सुबह की खाना शाना तो नहीं खाया और नाश्ता नुश्ता करते रहे, तो अभी बनाते हैं सालन, तो साथ रोटियां बनाती हूँ। चलो जी आलू भी निकाल लिए जितने की ज़रूरत है, अभी ये सारी चीज़ें काट लेती हूँ, छील के काट लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सब्ज़ी मैंने तैयार कर ली है, तो अभी पकाना स्टार्ट करती हूँ। अदरक पीस के मैंने डाल लिया हांडी में, ये हांडी में पीसा है इधर, तो टमाटर मिर्चें प्याज पालक और आलू, ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। अभी घी डाल के फटोफट बना लेती हूँ क्योंकि सिलेंडर पे बनाऊँगी, अगर सिलेंडर ने ख़त्म होना अगर टाइम के साथ ही ख़त्म हो जाए फिर पता चल जाता है, इंसान शहर वाले भाई को कॉल करने वाला बनता है कि सिलेंडर आके रख दे। तो अभी ये सर्दियों में घी भी इतना सख्त हो जाता है, ये भी नहीं निकल रहा। घी मैंने ऐड कर दिया, बची घी को गर्म कर लेते हैं, साथ ही ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ क्योंकि सिलेंडर है ख़त्म होने वाला। तो चलो सालन तो बन जाएगा, फिर देख लेते हैं सालन क्या बनता है, सालन पकता भी है या नहीं, ये सारी चीज़ों की बुनाई करती हूँ। उतनी देर ये पालक और आलू धो लेती हूँ दोबारा, आलू तो धो के काटे फिर भी एक दफ़ा फिर धो लेती हूँ। कभी से न हो गया गेट एक साइड तू, चलो आ सही करके रंग ला देना थलियो, नहीं तो फर्श तो फिर उतरेगा नहीं कलर। ये मेहमान आवाज से बर्तन धो लाए ते हूँ तड़का मेरा लहसुन प्याज टमाटर मिर्च अच्छी तरह फ्राई हो गई है, तो हूँ मैं पानी बच्च मसाले मसाले पा लेने हैं, पालक में बाल्टी पा के पानी पा लिया। हूँ जी बार सब्जी भाई आ गया, सिलेंडर का भी एंड ही है, इस तो जल्दी जल्दी लखनऊ सालन बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी मसाले ऐड कर लिए, अभी इनको मिक्स करती हूँ और अच्छी तरह इनकी बुनाई करती हूँ मसालों की, साथ में ऐड करती हूँ थोड़ा सा पानी तो मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, टूटी से पानी देना पड़ेगा। मसाले को इसमें कर लेती हूँ, मसाले की बनाई अच्छी तरह हो चुकी है, मसाला तैयार हो गया। तो अभी इसमें ऐड करनी है पालक मैंने, तो कैमरा मेरे हाथ में है, चलो करके देखती हूँ वरना कैमरा बंद करना पड़ेगा। कड़ी चीज़ खजूर हूँ, पालक कहती खाधी हूँ, तुम पापड़ खाधे हजे नहीं खानी, हजे रोटी खानी है पहले, सारे ने खाधी सी। चलो पालक मैंने डाल दी है, अभी इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह, पालक की बनाई करती हूँ पहले क्योंकि आलू बाद में डालूंगी, वरना आलू सारे जो है ना ये मिक्स हो जाएंगे घुल जाएंगे, तो इस वजह से बाद में आलू डालूंगी, पहले पालक की बनाई अच्छी तरह कर लूँ। अच्छा जी पालक की बनाई हो रही है उधर, तो जे गाजरे लेके आए थे जूस के लिए, तो कहते हैं गाजरों का जूस पिए तो खून पैदा होता है, कहते हैं खून की कमी होती है इसलिए गाजरे लेके आए, थोड़ा सा के जूस बना के पियेंगे। साथ में अम्मी के घर से नींबू लेके आई थी, जे बच्चों ने सारे ना मट्टी लगाई हुई थी जे धो के रखे हैं, और अभी पानी खुशक हो जाए फिर इधर से निकालती हूँ टोकरी में डाल लूँगी। तो अभी पालक की बनाई हो चुकी है, तो अभी इसमें ऐड करने आलू वो करती हूँ, तो साथ में आटे के लिए पानी रखा इधर, आटा गूंथती हूँ, ये बर्तन धो लिए हैं, ये रखती हूँ साफ़ करके।
ਰਮਾਨ ਰਹੀਮ ਜੀ ਸਾਲਾਂ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਆਟਾ ਸ਼ਾਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਬੱਤਰ ਸ਼ਾਦਨ ਤੋਲ ਲਿਆ ਗਾਜਰਾ ਸ਼ਾਜਰਾ ਇਹਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਅੱਗ ਜਲਾ ਲਈਏ ਤਵੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਫਟੋਫਟ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਗ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਂ ਲਈ ਪਾਲਕ ਆਲੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੋਈ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ